जब गोविंद गोपाल लाल राम नाम सिमर तू जीवे फिर ना खाई महाकाल रहाओ कोट जन्म प्रम 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 आयो बड़े पाग साध संग पायो बिन गुर पूरे नाही उधार बाबा नानक आखे एहो विचार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में कहते हैं कि हर तरफ पाप कले कलेश दुख रोग कष्ट ये सभी और फैलता जा रहा था। कहते हैं उस वक्त ऐसा था कि पठानों का राज था, मुगलों का राज था, हिंदुओं की इज्जत आबरू लूटी जा रही थी, घर से लड़कियों को उठा लिया जाता था, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, इस तरह का माहौल बन गया था। पठान हिंदुओं को मार गिरा रहे थे, उनकी इज्जत आबरू के साथ खेल रहे थे, उनका धन उनकी संपत्ति लूट रहे थे, ऐसा वो समय था। लोगों ने हाथ जोड़कर प्रभु से बेनती की, अरदासे की, जोधड़ी की और कहते हैं पिता परमेश्वर ने उनकी आवाज़ सुन ली, उनकी पुकार सुन ली, उनकी अरदासे सुन ली और कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश हुआ। जिस प्रकार गुरुदास जी की बाणी आई है सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे पठाया। गुरु साहिब जी संसार में आए, उन्होंने संसार में विचर कर लोगों को जीने की सही राह बताई, दुष्टों को प्रभु की राह बताई, प्रभु से उन्हें जोड़ दिया। कलयुग बाबे तारिया सत नाम पर मंत्र सुनाया, कल तारन गुरु नानक आया। कलयुग में जहां पर हर तरफ अंधियार था, पाप का अंधियार, पाप का ही बोलबाला था, सच कहीं छुप चुका था, उन्होंने
सच को प्रकट किया, मनुखों को प्रभु की ओर ले गए, एक सही दिशा बताई, एक सहज मार्ग बताया प्रभु से मिलने का, कई पापियों को तारा, दुष्टों को प्रभु की ओर ले गए, प्रभु के साथ जोड़ दिया, कलयुग को प्रभु ने तार दिया, कलयुग में रहने वाले मनुखों को तार दिया। इसी प्रकार कहते हैं तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने चार उदासियां की, जिसमें वे जगह जगह आप चल कर गए और लोगों को प्रभु के साथ जोड़ा। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है भूमिया चोर की। कहते हैं ये जो भूमिया चोर था वो ढाका में रहता था। भूमिया चोर दरअसल एक जमींदार था, उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, परंतु अंदर से वो कपटी था, चोर था। उसने ये धन संपत्ति चोरी करके, गुनाह करके, लोगों का पैसा हड़प कर, और यही नहीं लोगों को लूट कर वो उन्हें जान से भी मार दिया करता था। कहते हैं उसके पास एक धर्मशाला थी, जहाँ पर जब लोग आते तो उन्हें वो लूट लेता, उनके पैसे लूट कर, उनकी धन संपत्ति लूट कर उन्हें मार देता, और यहाँ तक कि वो दूर दूर जाकर गाँव में, शहरों में जाकर चोरियाँ किया करता। और इस प्रकार उसने कई धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। झूठ बोलना, कपट करना, बुरा करना उसका जैसे कि पेशा बन गया था, उसकी आदत बन गई थी, संस्कार हो गया था। वो रोज निकल जाता चोरियां करने। कहते हैं चोरियां करके वो घर लौटता और उस धन को संभाल कर रखता। जिस प्रकार भगत कबीर जी की वाणी आई है सोरठ राग में, बहु परपंच कर परधन ल्यावे, सुत दारा पह आन लुटावे, मन मेरे पूले कपट न कीजे, अंत निबेरा तेरे जी पह लीजे, रहाओ छिन छिन तन छीजे, जरा जनावे तब तेरी ओक कोई पानियो न पावे, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपे सवेरा। यहाँ पर भगत कबीर जी सोरठ राग में हम मनुष्य जाति को
ये उपदेश दे रहे हैं जो बानी आज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में दर्ज है, अंग 764 पर। यहां पर भगत कबीर जी कह रहे हैं कि हे मनुख, तू कई जतन करता है, झूठ भी बोलता है, कपट भी करता है, जिस प्रकार हम आज दुकान चलाते हैं, ग्राहक आता है, हम उसे कह देते हैं कि ये तो भाई फ्रेश है, अभी माल आया है, परंतु होता वो पुराना है, कपट कर देते हैं, कहते हैं इसका रेट यही है, इसका दाम यही है, हम गंदा माल भी अच्छा बता कर बेच देते हैं, जो मुनाफा एक इंसान को रखना चाहिए हम उसे कहीं ज़्यादा एक एक वस्तु पर, एक एक चीज़ों पर मुनाफा कमा लेते हैं। इस प्रकार का हम कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, पल पल हम कपट करते हैं और फिर हम उन पैसों को, उस धन को घर पर आकर बीवी बच्चों पर लुटा देते हैं। यदि हम उन बीवी बच्चों से पूछें कि जो कपट करके, निंदा करके, गलत बोलकर झूठ बोलकर पति जो धन कमाकर लाया है, उसने जो गुनाह किए हैं, जो पाप उससे हुआ है, उन पापों की सजा यदि पत्नी और बच्चे को भी मिलनी चाहिए, तो यदि उस पत्नी को हम कहें कि तुम्हारी वजह से, ताकि तुम सुखी से रह सको, तुम्हारी वजह से पति वो कपट करके धन कमा कर ला रहा है, तो पाप की भागीदार तो तुम भी हुए। यदि उस पाप की सजा पत्नी और बच्चे को दी जाए, तो पत्नी भी यही कहेगी, बच्चा भी यही कहेगा कि क्या हमने कहा था पाप करने के लिए, कपट करने के लिए? वो भी इनकार कर देंगे। तो हे मनुख, तू क्यों पाप करता है, क्यों झूठ बोलता है, क्यों कपट करता है? इस प्रकार के धन को तू घर पर लाता है, जिसके कारण तुझे ही भोगना पड़ेगा। जब तेरी मौत होगी, जब धर्मराज के सामने तुझे खड़ा होना पड़ेगा, तो लेखा तुझे देना होगा। कपट तूने किया है, पाप तूने किया है। वहां तू ये नहीं कह सकता कि तूने ये पाप बीवी बच्चों के लिए किया है। तो भगत कबीर जी कहते हैं, हे मन, तू क्यों कपट करता है, भूल से भी कपट मत किया कर, क्योंकि अंत में तुझे ही भोगना पड़ेगा। जब अंत समय आएगा तो कोई तेरे मुंह में पानी तक नहीं डालेगा, क्योंकि तूने इतना पाप कमाया है, उन पापों की जो सजा मिलेगी, तेरा कोई नहीं है। इसीलिए प्रभु के साथ जुड़, सच्ची कमाई कर, सच बोल,
ताकि तेरा भला हो। भगत कबीर जी भी हमें इस बाणी में यही समझा रहे हैं कि नाम के साथ जुड़े हैं, प्रभु के साथ जुड़े हैं, और संसार में रहकर ये जाने कि तुम संसार में आए क्यों हो, क्योंकि जानवर भी तो संसार में विचर रहे हैं, वो कभी नाम नहीं जप सकते, बानी नहीं पढ़ सकते, बंदगी नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। ये दात तो प्रभु ने हमें बख्शी है, मनुष्य देह में रहकर हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, तो हमें इस अवसर को संभाल कर रखना है, चूकना नहीं है, प्रभु के साथ जुड़कर अपने जीवन को संवारना है। तो ये जो भूमिया चोर था वो चोरी किया करता था, डकैत था, लोगों की हत्याएं किया करता था, और कहते हैं ना कि जो चोर होता है उसे कोई साथ नहीं देता, वो आखिरकार अकेले ही रह जाता है, क्योंकि हर कोई सच्चाई का साथ देता है। जब सच्चाई सामने आती है कि मनुष्य चोर है तो कोई साथ नहीं देता, उसकी गुनाहों की सजा उसे ही भोगनी होती है। जिस प्रकार तनासरी राग में गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी आई है, चोर सलाहे चीत न पीजे, जे बदी करे ता तसु न छीजे, चोर की हमा परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए, सुन मन अंधे कूड़े कुड़ियार, बिन बोले भोजिए सचियार, रहाओ चोर स्वालियो चोर सियाना, खोटे का मल एक दुगाना, जे साथ रखिए दीजे रलाए, जा परखिए खोटा हो जाए, जैसा करे सो तैसा पावे, आप बीज आपे ही खावे, जे वडियाइयां आपे खाए, जे ही सुरत तेहे रह जाए, जे सो कुड़िया कूड़ कुबाड़, पावे सब आखियो संसार, तुद पावे अधि परवान, नानक जाने जान सुजान। गुरु नानक देव जी महाराज तनासरी राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 662 में ये कहते हैं कि चोर अपनी मनमानी करता है, प्रभु की नहीं सुनता। चोर ऐसा सोचता है कि वो चोरी करके धन कमाकर, कपट करके जो धन कमा रहा है शायद उसी में उसकी भलाई है, और कहते हैं ना कि एक बार ये चोरी की लत जब किसी को लग जाती है तो वो ऐसी लत है
कि वो छूटती नहीं। मनुख जहां भी जाता है उसके मन में ये विचार चलता है कि वहां से मैं कुछ उठा लूं, कुछ चोरी कर लूं, उसका स्वभाव बन जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं, चोर की हामा परे ना कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। कहते हैं कि चोर की कोई हामा नहीं भरता, कोई चोर का साथ नहीं देता, हर कोई चोर से दूर रहता है। क्योंकि अगर वो चोरी कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, तो वो अच्छा तो है नहीं। जब वो मनुख अच्छा नहीं है तो हर कोई अच्छा संग करना चाहता है। जो मनुख गलत संग कर लेता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसे आगे चलकर फिर योनियां भोगनी पड़ती है। अब हुआ यूं कि जो भूमिया चोर था वो चोरी किया करता, डकैती किया करता, यहां तक कि लोगों की जान भी ले लेता। जिस प्रकार आज तो यूपी बिहार बहुत सुधर गया है अच्छे मंत्री आने के कारण, परंतु कुछ साल पहले हम सुनते हैं भैये लोगों से कि किस प्रकार वहां पर चोरियां डकैतियां आम हुआ करती थी। लोग थोड़े से पैसों के लिए लोगों की जान तक ले लिया करते थे। ये बहुत शर्म की बात है कि किसी की जान ले लेना थोड़े से पैसों के लिए। ये दरअसल होता यूं है कि इंसान को जब एक अच्छा संग नहीं मिलता, जब प्रभु की राह कोई उन्हें नहीं बता पाता या फिर उस राह से वो दूर रहते हैं, तो मनुख की मन में पाप आ जाता है। कहते हैं जब हम गुरु के साथ नहीं जुड़ते, जब हम बंदगी नहीं करते, जब हम सेवा नहीं करते, तो हमारे मन के अंदर जो मैल होती है वो बढ़ती जाती है। कुछ हमारे पिछले बीजे हुए संस्कार भी ऐसे होते हैं जो हमारे साथ चलते हैं। पिछला यदि हमने बुरा बीजा है तो हमें बुरा ही मिलता है। हमारे पिछले ऐसे संस्कार होते हैं जिसके कारण मनुख झूठ बोलता है, कपट करता है और गलत राह पर चलता है। जिस मनुख को अच्छा संग नहीं मिलता, उसके मन के अंदर जो मैल होती है वो बढ़ती जाती है और वो पाप कमाता है और वो पाप बढ़ बढ़ कर संस्कार बन जाते हैं, जिसके कारण वो कपट करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है और कहते हैं वो अपने जीवन को नरक तो बनाता ही है बल्कि उसका सारा परिवार नरक भोगता है। आम हम संसार में देखते हैं कि ये मनुख कितना अमीर है, परंतु यही नहीं देखते
कि उसने जो धन कमाया है वो सच्ची कमाई है या नहीं, धन है वो धनवान व्यक्ति जो कि सच्ची कमाई करते हैं और सच्ची धन कमाते हैं और परमेश्वर की राह पर चलते हैं, धन है वो, क्योंकि हमें प्रभु ने सच्ची राह में चलने का उपदेश दिया है। तो कहते हैं ये जो भूमिया चोर था वो चोरी किया करता, कपट किया करता, लोगों को मार देता थोड़े से पैसों के लिए, परंतु एक तरफ कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि वो साधु संतों को भोजन भी खिलाता था ताकि वो ये सोचता था कि एक तरफ मैं चोरी कर रहा हूँ, कपट कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, लोगों को मार रहा हूँ, तो दूसरी ओर मैं दान पुण्य करके बच जाऊंगा। तो कहते हैं कि भूमिया चोर एक तरफ चोरी भी किया करता और दूसरी ओर साधुओं को लंगर भी छकाता, उन्हें भोजन भी छकाता। आम हम संसार में देखते हैं कि मनुख कपट करके, झूठ बोलकर पैसा कमा लेता है और दूसरी ओर ये सोचता है कि धन का एक हिस्सा मैं गुरु को चढ़ा देता हूं ताकि मेरे पाप कट जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। गुरु के चरणों में तो वो पदार्थ, वो धन, वो पेटा प्रवान होती है जो सच्ची कमाई की होती है। यदि कोई मनुख ये सोचे कि वो झूठी कमाई करके, झूठ बोलकर गुरु के चरणों में पेटा दे दे, लंगर चला दे, गरीबों को खाना खिला दे तो पाप से बच जाएगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार संसार में हम देखते हैं कि कई मनुख मांस का धंधा करते हैं, उनके होटल हैं जिसमें मांस बिकता है, मांसाहारी भोजन बिकता है। आज जब हम किसी जानवर को कटवाएंगे या काटेंगे वो तो पाप है। जब कोई जानवर भले ही वो बकरा हो या फिर मुर्गा हो या कोई भी अन्य जानवर हो, जब वो कटता है तो उसकी पीड़ा वो ही समझ सकता है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि जब आप किसी जानवर को काटें तो क्या वो आपको आशीर्वाद देगा, आपका भला चाहेगा, या उसकी आंखों से जो आंसू बहते हैं मरते समय उससे क्या आपका भला होगा? उस मांस को खाकर या फिर उस मांस को बेचकर आप अमीर तो बन सकते हैं, आप धनवान व्यक्ति तो बन सकते हैं, परंतु वो धन, वो भेटा, वो पदार्थ यदि आप गुरु के चरणों में अर्पण करें, ऐसी कमाई का धन, तो मैं गुरु की हजूरी में कहता हूं दावे के साथ, वो धन, वो पदार्थ, वो भेटा
गुरु के चरणों में कभी प्रमाण नहीं होती। जो इस प्रकार का धन हम कमाते हैं, जो कि गलत ढंग से कमाया होता है, जब हम मांस का व्यापार करते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, भले ही वो जानवर ही क्यों ना हो, उसमें भी तो जान है। भले ही वो 84 लाख जीवों में भटक रहा है, परंतु संसार में प्रभु ने उसे भेजा है विचरने के लिए, तुम्हारा शिकार बनने के लिए नहीं कि तुम उसे काट लो, उसे खा जाओ। ये बहुत बड़ा पाप है। पिछले साल मांस के बारे में हमने 2 बार आपसे कथा की थी इस गुरुद्वारे में, जो आज YouTube में है, आप उसे सुन सकते हैं, कि मांस नहीं खाना और ना ही मांस बेचना है, दोनों ही पाप है। आप कहेंगे कि मैं तो सिर्फ खाता हूं, काटता तो वो है, गुनाहगार तो वो है। नहीं भाई, तू खाता है इसलिए वो काटता है, इसलिए वो बेचता है, गुनाहगार दोनों हैं, खाने वाले भी, पकाने वाले भी, बेचने वाले भी, सभी एक ही गुनाहगार हैं, सभी एक ही चक्की में पिसने वाले हैं। धर्मराज जब अंतकाल में निबेड़ा करेगा, तब सजाएं मिलेंगी, नरक भोगने होंगे इसके कारण, 84 लाख जीवों तक भोगनी होगी। कल तुम जिसे काट रहे हो, कल कोई तुम्हें काटेगा वैसे ही, तो जरा सोचो कैसे तुम्हें महसूस होगा। इस बात पर हमें गौर करना है। तो कहते हैं कि जो भूमिया चोर था, वो साधु संतों को लंगर चखा देता था और सोचता था कि मैं गलत काम करता हूं तो क्या हुआ, भला भी तो कर देता हूं। नहीं भाई, ऐसे धन, ऐसे पदार्थ, ऐसा भला गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में कबूल नहीं है। वो तो हमें भोगना ही होगा, जो हमने कर्म किए हैं, जो भी गलत काम किया है, जो भी झूठ बोला है, जो भी गलत ढंग से पैसा कमाया है, वो भोगना पड़ेगा। आज हम संसार में देख रहे हैं कि किस प्रकार लोग हॉस्पिटलों में भटक रहे हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, दुख भोग रहे हैं, पैसा होते हुए भी बीपी हाई रहता है, नमक नहीं खा सकते, पैसा बेशुमार है परंतु डायबिटीज है, मीठा नहीं खा सकते, तला हुआ नहीं खा सकते, तो ऐसा धन भाई किस काम का, जब हम कुछ खा ही ना सके, मीठा नहीं खा सकते, नमक वाला नहीं खा सकते, चक्कर आते हैं, तो भाई ऐसा धन किस काम का। जब हम गलत ढंग से पैसा कमाते हैं, और होता क्या है, पहले तो बीमारियां भोगते हैं, उसके उपरांत हम आगे चलकर नर्क भोगते हैं, आगे चलकर 84 लाख दुनिया भोगते हैं, तो क्या लाभ, क्या फायदा। कुछ तो ऐसा भी होता है कि बीमारियां आ जाती हैं संसार में, हमारे पिछले बीजे हुए कर्मों के कारण वो हमें भोगना पड़ता है। तो अब हुआ यूं, गुरु नानक देव जी महाराज जब उस शहर में, ढाका में पहुंचे, तो उन्हें एक व्यक्ति दिखाई पड़ा जिसने गुरु से कहा
कि आप साधु संत दिखाई पड़ते हैं। आइए मैं आपको भूमि के घर ले चलता हूं, क्योंकि वो धनवान है और वो साधु संतों को लंगर चखाता है। कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज उसी उद्देश्य तो आए थे वहां पर। उद्देश्य उनका वही था कि भूमि चोर को जीने की सही राह बतानी है, उसे ताड़ना है। अब कहते हैं हुआ यूं, वो भूमिया चोर ताक में बैठा हुआ था कि कोई आए जिसे वो लूट सके, क्योंकि जो भी आता था उसे लूट लेता था वो। अब कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज जी भूमि चोर के घर गए। भूमि चोर ने उसे लंगर चखाना चाहा। कहते हैं भूमिया चोर ऐसा था कि वो खाने में भी जब देखता कि कोई धनवान व्यक्ति है या ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कुछ होगा, वो कुछ लेकर आया होगा, राहगीर जिसके पास धन होगा, उसे क्या किया करता था, ऐसे व्यक्तियों को वो भोजन में ऐसा पदार्थ डाल देता ताकि वो बेहोश हो जाए और सारा धन को लूट ले, उसे मार गिराए और धन लूटकर लाश को ठिकाने लगा दिया करता था। तो गुरु नानक देव जी के पास जब वो भोजन लेकर आया उसके पास, तो कहते हैं गुरु नानक देव जी ने उसे कहा कि भाई आप कौन हैं। भूमिया चोर ने कहते हैं जब तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के दर्शन किए तो दर्शन करके वो निहाल हो गया। उसे ऐसे प्रतीत हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण साधु नहीं है, ये तो वहां पिता परमेश्वर के रूप दिखाई पड़ते हैं। देखते ही वो धन हो गया। और जब गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उसे पूछा कि भाई आप कौन है, तो इसके मुंह से झूठ ही नहीं निकल सका। कहते भूमि चोर ने कह दिया कि हे सच्चे पातशाह, मैं भूमिया चोर हूं, मैं चोरी करता हूं। आपके चेहरे पर ऐसा जलाल है, ऐसी रोशनी है, ऐसा प्रेम है कि मेरे मुख से झूठ निकल ही नहीं पाया। मैं आपसे सच कहता हूं कि मैं चोर हूं, जबकि मैंने आज तक कभी किसी ने सच नहीं कहा, हमेशा झूठ कहा है और झूठ का ही साथ दिया है। मैंने अपने जीवन काल में बहुत झूठ बोले, बहुत पाप कमाया है, लोगों का धन लूटा है, बहुत लोगों को जान से मार दिया है, इस प्रकार के मेरे कर्म हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं। भूमि चोर ने कहा मैं एक बहुत धनवान व्यक्ति बनना चाहता हूं और अब मेरे संस्कार बन चुके हैं झूठ बोलना, कपट करना, चोरियां करनी, डकैतियां करनी, लोगों को मार गिराना, ये मेरे संस्कार हो चुके हैं। पर आपके चेहरे पर ये रोशनी देखी, ये नूर देखा, ये प्रेम देखा, आप मुझे उपदेश दें
मुझे सही राह बताएं, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर रहमत करें। अब कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज, उन्होंने भूमि चोर पर कृपा कर दी। गुरु नानक देव जी महाराज ने तीन वचन किए, कहा भूमि चोर से कहा, आप सच बोलें, सच का साथ दें, हमेशा सच बोलें। दूसरा, कभी नमक खराबी मत करें, आपको कभी नमक खराबी नहीं करनी। जब हम किसी का नमक खा लेते हैं तो हमें कभी भी नमक खराबी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात ये कही कि गरीब मार नहीं करनी, हमारे कारण किसी गरीब को कष्ट नहीं होना चाहिए, गरीब मार नहीं करनी, हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, कोई गरीब मारा ना जाए। ये तीन वचन किए थे। कहते हैं वचन तो गुरु साहब जी ने हमारे लिए भी किए हैं। हम बचपन से लेके आज तक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को माथा टेकते आए हैं, नाम जपते आए हैं, वाणी पढ़ते आए हैं, अमृत विलय संभालते आए हैं। आज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में 1430 अंग हैं। हर अंग में गुरु साहिब जी ने हमें उपदेश दिया है। आज हमें ये सोचना है कि क्या हम गुरु के वचन पढ़ तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, परंतु क्या हम गुरु के वचन मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं? क्या हमारा जीवन वैसा है जैसे गुरु चाहते हैं? क्या हम अमृत वाले उठते हैं? क्या हम वाणी के साथ जुड़ते हैं? क्या हम सेवा करते हैं? ये हमें अपने मनों में चाकियां मारकर खुद देखना है कि हम कहां पर हैं। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जब ये तीन वचन भूमिया चोर को कर दिए थे तो भूमिया चोर ने उस वचन को निभाया, उस पर अमल किया। पर क्या हम अमल करते हैं, ये हमें ही सोचना है। अब कहते हैं मन में भावना तो आ गई थी, प्रभु से प्रेम तो हो गया था, परंतु जो संस्कार था ना, संस्कार हमारे अंदर जो संस्कार भरे हुए हैं, कपट के, चोरी के, गलत काम करने के, वो ऐसे नहीं जाते। उसके लिए हमें प्रभु की ओर चलना पड़ता है। गुरु का वचन सुन तो लिया, परंतु अमल करने के लिए हमें वाणी के साथ जुड़ना पड़ता है, तब हम गुरु के सिद्धांतों पर चल सकते हैं। अब हुआ यूं, अगले ही दिन ये भूमिया चोर फिर से चोरी करने निकल पड़ा। चोरी करने निकला तो कहते हैं मन में विचार आ गया, ये सोचने लगा वो कि गुरु साहिब जी ने तो कहा है गरीब मार नहीं करनी, तो जो व्यक्ति बेचारा
बड़ी मुश्किलों से धन कमाता होगा, उसे यदि मैं लूट लूंगा तो वो गरीब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वो, तो ये तो गरीब मार करनी हो गई। तो गुरु का वचन तो ऐसा था कि गरीब मार नहीं करनी, तो ये इसने क्या सोचा कि चलो मैं किसी साधारण व्यक्ति को नहीं लूटूंगा, सीधे जाकर राजा को लूटता हूं, उससे गरीब मार तो नहीं होगी। दिमाग लगाया अपना अपना, क्योंकि हम भी दिमाग लगाते हैं कि गुरु ने तो ऐसा कहा है, चलो भाई हम ऐसा कर लेते हैं, मनमत कर लेते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं। परंतु जो व्यक्ति गुरमत के अनुसार नहीं चलता वो हमेशा ही कष्ट झेलता है, दुख झेलता है। तो हुआ यूं कि ये जो भूमिया चोर था वो राजा के महल में पहुंच गया। बाहर दरवाजे पर सिपाही खड़े थे बर्छा लेकर, तलवार लेकर। भूमि चोर को देखा उन्होंने, कहा कि तुम कौन हो, क्योंकि भूमिया चोर बहुत ही अच्छे वस्त्र पहनकर उस दिन गया था चोरी करने के लिए, बहुत ही शानदार वस्त्र उसने पहने थे। जब सिपाही ने पूछा कि तुम कौन हो, भूमिया चोर ने कहा, पहले तो भूमिया चोर सोचने लगा कि मैं क्या कहूं, वचन याद आ रहे गुरु के कि सच बोलना है, सच्ची कमाई करनी है। तो भूमि चोर ने कहा, सच सच कह दिया कि मैं चोर हूं। सिपाही ने कहा कि कोई चोर खुद कोई चोर नहीं कहता, ये तो शायद मजाक कर रहा है, शायद महाराजा का कोई रिश्तेदार होगा जो उन्हें मिलने आया है इस वक्त, और यदि हम इसे अंदर जाने ना दें तो राजा हमें दोष देगा और जिसके कारण हमें कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो सिपाहियों ने क्या किया, भूमि चोर को अंदर जाने दिया, भाई तुम जाओ राजा को मिल लो। अब भूमि चोर सच बोलकर पहले वचन निभाए तो उसे अंदर जाने मिल गया आराम से, बिना किसी कष्ट के अंदर चला गया। अभी चोर को पता था कि कहां क्या पड़ा हुआ है, कहां क्या है महल में, क्योंकि पहले वो पर चोरी कर चुका है, वो चोरी तो था, कहीं पकड़ा नहीं गया था आज तक वो, उसी काबिले की खातिर। अब हुआ यूं कि जहां पर धन पड़ा हुआ था, राजा के महल में जहां धन पड़ा हुआ था वहां भूमिया चोर पहुंच गया। जाकर एक पोटली में बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, उस पोटली को उठाकर चलने लगा, तो कहते हैं वहां पर सोने का पात्र पड़ा हुआ था जिसमें कोई चीज पड़ी हुई थी। उसने देखा कि सोने का पात्र में क्या पड़ा हुआ है, पहले से उसने उंगली से पात्र में जो चीज पड़ी हुई थी खाने की उसे छूकर चाट लिया, देखा तो नमक है। और गुरु का दूसरा वचन याद आ गया कि भाई किसी का नमक हरामी नहीं करनी, नमक हरामी नहीं करनी, ये वचन था गुरु का, वो याद आ गया। तो उसने सोचा कि मैंने नमक खा लिया है, राजा का नमक खा लिया मैंने, अभी नमक हरामी कैसे करूं, इस धन को लेके जाऊंगा तो नमक हरामी हो जाएगी। तो कहते हैं उस धन को उसने वही छोड़ दिया,
पोटली में ही वैसे रखे वापस बाहर आ गया। और फिर अगले ही दिन राजा को पता चला कि कोई चोर आया था, क्योंकि सिपाहियों ने बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति आया था आधी रात को। और जब अंदर जहाँ धन पड़ा हुआ था वहां जाकर देखा गया तो धन की पोटली पड़ी हुई हुई है। धन को पोटली में किसी डाला हुआ है, वो चोरी को करके नहीं गया। तो कहते हैं राजा ने जितने भी चोर थे, लफंगे थे, झूठे थे उस राज्य के, सबको पकड़वाया और सबको पीटना शुरू कर दिया। तो कहते हैं जैसे ही इस भूमि चोर को पता चला कि राजा ने छोटे मोटे लफंगे चोरों को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया है, तो कहते हैं भूमिया चोर खुद चलकर दरबार में गया गुरु साहब जी का वचन निभाने के लिए। कौन सा वचन था? गरीब मार नहीं करनी। तो कहते हैं कि मेरी वजह से कोई गरीब पिट रहा है बेचारा, जबकि वो चोर है ही नहीं, छोटा मोटा लफंगा है उसे पीटा जा रहा है। और तो ऐसे लोगों को पीटा जा रहा है जो बेचारा चोर है ही नहीं, वो तो गरीब है। तो राजा के दरबार में गया वो भूमिया चोर, उसने कहा कि हे राजन, आप जिन्हें सजा दे रहे हैं वो चोर नहीं है, वो कल रात आपके महल में नहीं आया था, महलों में तो मैं आया था, मैं भूमिया चोर हूँ। और वो भूमिया चोर जिसने आज से जिंदगी में कोई अच्छा काम किया ही नहीं, मेरे जीवन में हमेशा गलत काम किया है, चोरियां की हैं, डकैतियां की, खून किए हैं, मैं ही कल आपके दरबार में आया था और पोटली में ही छोड़ कर गया था, आप इन सबको छोड़ दें। कहते वो राजा हैरान हो गया, उसने भूमिया चोर से कहा, पूछा कि भाई तुम चोर हो, डकैत हो, खूनी हो, वो तो समझ आया, परंतु तुम इतने दोषी होते हुए भी, जबकि अब तक तुम पकड़े नहीं गए हो, फिर मेरे पास चलते क्यों आए? इतने सच्चे कैसे बन गए तुम? तुमने मेरे को सच बोला सिपाहियों को रात को कि मैं चोर हूं, और वो समझे नहीं, मजाक समझ दिया उन्होंने, तुम्हें अंदर आने दिया, फिर तुम्हें पोटली मिल गई थी, सोना मिल गया था, धन मिल गया था, तो तुम उसे छोड़कर क्यों चले गए? और अब फिर तुम वापिस आ गए हो बताने के लिए कि इन्हें मत पीटो, मैं चोर हूं, जबकि तुम बच चुके थे, तुम सामने क्यों आए? कहते भूमि चोर ने बताया कि मुझे एक ऐसे गुरु मिल गए हैं जो कि संसार को तारने आए हैं, तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। उन्होंने मुझे 3 वचन किए थे कि पहले तो सच बोलो, दूसरा तुम्हें नमक हरामी नहीं करनी, तीसरा गरीब मार नहीं करनी, तुम्हारी वजह से किसी गरीब को दुख ना हो, गरीब मार नहीं करनी। तो मैंने 3 वचन कमा लिए। तो राजे ने सोचा कि इतने बड़े गुरु हमारे यहां आए थे और मैं उनकी सेवा तक नहीं कर सका, उनके दर्शन तक नहीं कर सका, तो वो बहुत पछता रहा था। भूमि चोर ने कहा वो तो चले गए यहां से। तो ये राजा, उन्होंने भूमि चोर को दंड नहीं दिया, क्योंकि राजन समझदार था
वो समझ गया था कि कोई भी चोर खूनी डकैत कभी भी खुद चलकर नहीं आता, भले ही बहुत बुरे कर्म किए हों, भले चोरियां डकैतियां की हों, परंतु अभी सुधर चुका है, राजा ने समझ चुका था। अब हुआ यूं कि राजन ने उस पर नजर रखी और कई सालों तक नजर रखी। वो समझ चुके थे कि वो कभी चोरी नहीं करेंगे, सच्ची कमाई करेंगे, कभी गरीब मार नहीं करेंगे। तो राजे ने उस पर नजर रखी और नजर रखवाई भी, और धीरे धीरे करके कहते हैं भूमिया चोर सच में सुधर गया। वो नाम माने के साथ जुड़ा, उसने भक्ति की, तपस्या की, प्रभु के साथ जुड़ा और एक सच्चा सुच्चा इंसान बन गया। और कहते हैं कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि भूमिया चोर आगे चलकर संत बना, साधु बना, तपस्वी बना और उसी राज्य में उसी राजा का गुरु बना। राजे ने भूमिया चोर को गुरु घोषित कर लिया, गुरु बना लिया, क्योंकि भूमिया चोर ने गुरु नानक जी का वचन निभाया, गुरु नानक जी के उन्होंने दर्शन किए, गुरु नानक जी का जो उपदेश था वो उसे माना और उसको चले और आप संत बन गए, तपस्वी बन गए, साधु बन गए। तो राजा ने भूमिया चोर को अपना गुरु मान लिया और इसी प्रकार भूमिया चोर संत बन गया। आज हमें ये देखना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, गुरु का वचन हम निभाते हैं या नहीं, क्या अभी भी हम कपट कर रहे हैं, क्या अभी भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, यदि हैं तो हमें छोड़ना है, कपट को छोड़ना है और गुरु के कहे अनुसार चलना है ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हम सच्ची राह पर चलें, सच्चे कर्म करें, गरीब मार ना करें, सच बोलें, ताकि हम गुरु के वचनों को निभा सकें और कभी नमक हरामी ना करें। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं, सत्संग बख्शन योग हो, बुला बख्शो और सत्संग असीर बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, मुझे कभी 84 लाख दुनिया न भोगनी पड़े, सत्संग ऐसी असीर बख्शना, मेरा आवागमन मिट जाए, मेरा लोक परलोक समझ जाए, ऐसी असीर बख्शना, फतेह का जवाब फतेह में दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।